हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नीट 2025 में 700 प्लस मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। बहुत टाइम वेस्ट अब ऑलरेडी हो चुका है, दो महीने से जो भी चला वर्स्ट एवर ईयर ये रहा है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। पर अब आपने डिसाइड कर लिया है कि यार जो भी हुआ, जिस भी कारण से मुझे इस बार कॉलेज नहीं मिल पाया, मेरी अपनी गलती है या दूसरी चीज़ों की जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी उनके कारण ऐसा हुआ, पर अगले साल 700 प्लस मार्क्स लेकर आऊंगी और सारे दरवाजे सिलेक्शन नहीं होने के बंद करके अपने ड्रीम कॉलेज को अपने हाथ से चूज करना है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर नीट बेकार गया, मल्टीपल रीजंस के कारण गया, अब प्रिपरेशन चालू करनी है। जिस चीज को पहले मई में करने वाले थे वो जून में टल गई, जुलाई भी खत्म हो गया, अगस्त आ गया, कैसे अब यहां से प्रिपेयर किया जाए, किस तरीके से बच्चों ने प्रिपेयर किया कि एक साल में, अब तो 10 ही महीने बचे हैं, 10 महीने में टॉप 500 की रैंक आ जाए। ठीक है, क्या पॉसिबल भी है क्या? बहुत सारे बच्चों के मन में तो अब ये सवाल उठने लगा है, इस साल इतने सारे बच्चे हैं जिनके 630 640 आ रहे हैं, वो ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, क्या पॉसिबल भी है क्या? पहली तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे एटलीस्ट 600 प्लस वाले जिन्होंने ड्रॉप ईयर लिया था। पॉसिबल भी है क्या, उसका जवाब आपको देता हूं। पर आपके लिए आज लेकर आ गए हैं सबसे रेवोल्यूशनरी कोटा का एक ऐसा ऑफलाइन कोर्स या बैच, जो भी आप इसको बोलेंगे, जिसने ऑफलाइन पढ़ने के तरीके को बदल दिया है। हर बच्चे पर इतना ध्यान जहां पर दिया जा रहा है, हर बच्चे की इतनी मैक्सिमम केयर हो रही है, बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं, बेस्ट रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अभी उसके बारे में और बताऊंगा, वो अब एक नेक्स्ट फेज आपके लिए लेकर आ गए हैं जो 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। 5 अगस्त से ई सरल गुरुकुल ऑफलाइन बैच इन कोटा, राजस्थान, कोटा को सब जानते हैं, वहां पर यह बैच शुरू हो रहा है। बेस्ट टीचर्स होने वाले हैं इस साल, भारत का हाईएस्ट 650 प्लस रेशियो, मतलब वो बच्चे जो 650 प्लस लेकर आए हैं वो ई सरल से आया है, हर 10 में से एक बच्चा 650 प्लस मार्क्स लेकर आया है, ताबड़तोड़ रिजल्ट आए हैं, अभी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी मैंने प्रिंट कर दिया है, आप वहां से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। और अगर आप ऑलरेडी कोटा में हैं या आप कोटा आने वाले हैं तो एक बार जाकर बिल्कुल विजिट करिएगा ई सरल गुरुकुल। ठीक है, रोड नंबर 1 पर है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो यार, सबसे पहले तो आपको इसमें अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। यार ये पढ़ाई का एक ऐसा तरीका है, आज तक भारत में इस तरह से ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई। ऐसा क्यों है वो बताता हूं। तो अगर आपके 600 प्लस मार्क्स हैं, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, आपको पूरी 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 590 प्लस मार्क्स पे 90% स्कॉलरशिप, 575 प्लस पर 80%, 550 प्लस पर ऑलमोस्ट आपको यहां पर जो है 75% स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको मिलने वाली है। 450 मार्क्स से ऊपर अगर आपके हैं तो आपके लिए यहां पर स्कॉलरशिप से, और अभी की सिचुएशन में ये भारत का कोटा का सबसे अफोर्डेबल ऑफलाइन बैच है विदाउट स्कॉलरशिप ऑल्सो। तो यार जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ई सरल में जब ऑफलाइन चलता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है, बिकॉज वी आर बुलिश कि यार हमको बेस्ट एवर रिजल्ट निकालना है, पहले ही साल ऑफलाइन में से हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो देना है, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन है जैसे इस बार हुआ। तो जिन बच्चों को डाउट है कि सर हम टॉप 500 में रैंक लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेकर आ सकते, सिर्फ एक साल में भी 10 महीने में, मैं आपको बता दूं प्रबल ने इस बार 8 महीने की प्रिपरेशन करी और उसकी रैंक आई है AIR 449। वो बच्चा 449 रैंक लेकर आया है 8 महीने की प्रिपरेशन के बाद और 706 नंबर लाया है। और सबसे बड़ी पता है बात क्या है, इतनी उसकी प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन आए, बहुत टफ जर्नी रही, पर वो लगा रहा, उसने छोड़ी नहीं एक दिन के लिए भी अपनी प्रिपरेशन, करता रहा और प्योरली ऑनलाइन घर बैठकर उसने ये रिजल्ट निकाला। अब इस साल आप सोचो, जब आप ऑफलाइन आओगे इतना वन टू वन इंटरेक्शन होगा, ऑनलाइन की तो सारी चीजें हो गई और जो ऑफलाइन के एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी आपको जब मिलेंगे, तो ये रिजल्ट आप कितना लेवल पर फोड़ सकते हैं। और सिर्फ प्रबल ही नहीं, उसने ही सिर्फ 570 से 706 पर इंप्रूव नहीं किया, सरफराज ने इंप्रूव किया, 130 140 नंबर उसने इंप्रूव करे, बहुत एपिक मार्क्स लेकर आया, फिर साकिब ने किया वापस से 140 करीब नंबर इस बच्चे ने इंप्रूव, 130 नंबर करीब इंप्रूव कर लिए, 120 नंबर अभिजनान ने इंप्रूव किए, इन सारे बच्चों ने अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दी और एक साल से भी कम समय में बन गए ड्रॉपर से टॉपर, जो अगली बार आप बनने वाले हो। जब इतने सारे बच्चे 700 प्लस लेकर आ सकते हैं तो आप भी लेकर आ सकते हो। देखो, जो इसरल का ऑफलाइन है वो इतना फेमस क्यों है, क्यों उसमें बच्चे
इतना प्रिफर कर रहे हैं? ये सबसे बड़े पांच कारण अगर कोई आपसे पूछे तो वो ये है। पहला, सिर्फ लिमिटेड बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है यार कि आप हजारों की भीड़ में खो जाओगे, नहीं, जब फेज वन चालू हुआ था तो कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ, एडमिशन क्लोज हो गए। अब नेक्स्ट फेज आया है, सिर्फ कुछ बच्चों का एडमिशन हो गया, क्योंकि ये एक ही जिद है ईसरल की, सिर्फ एक जिद है कि जितने भी बच्चे ईसरल में पढ़े उन पर हम 500% फोकस कर पाए। वरना होता क्या है कि भीड़ के चक्कर में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो बैच सिस्टम आ जाता है, फलाना फलाना ग्रुप बना लेते लोग, उनको एक्स्ट्रा मटेरियल, उनको एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा वो, तो जो बेचारे बच्चे कर सकते हैं, पोटेंशियल है, पर शायद स्कॉलरशिप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए या शुरू के एक दो टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए, किसी भी कारण वो हमेशा के लिए पीछे छूट जाते हैं। ऐसा ना हो, मैक्सिमम हर बच्चे को केयर मिले। दूसरी चीज, कोई बैच सिस्टम नहीं है, आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारे बच्चों को सेम रिसोर्सेज यहां पर दिए जाते हैं। हर बच्चे के लिए 5-layered मेंटरशिप होती है, हर बच्चे के लिए पर्सनल मेंटर होते हैं जो यार पूरी हर एक चीज में आपको गाइड करते हैं, कैसे 10 महीने में पढ़ाई करनी है, क्या एक शेड्यूल होना चाहिए, आपको चेक करते हैं आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें यहां पर होती है। आपको लगातार पुश किया जाता है कि बेटा देख, ये लास्ट ड्रॉप ईयर है, इसके बाद अपने को नहीं लेना ड्रॉप, इसी साल अपने को डॉक्टर बनकर दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शीट कैसे बनाते हैं, सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट कब देने हैं, कितने देने, बहुत जल्दी वो आपके शुरू हो जाएंगे। अगर इस साल पेपर पैटर्न चेंज होता है तो हमको क्या करना है, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं तो क्या करना है, हर एक चीज सेम रहता है तो क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए है, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, हर एक चीज के यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बताई जाती है। ठीक है, टीचर्स यार लगे पड़े रहते हैं, और साथ में आपको जो ईसरल का ऑनलाइन बैच है उसका एब्सोल्युटली फ्री एक्सेस मिलता है, और वो सिंक में होता है ऑफलाइन क्लासेस के, तो पूरी 11th और 12th पढ़ाई जाएगी बेसिक से। वो बच्चे जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सुविधा होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलती है, और आपके हिसाब से टाइम टेबल भी यहां पर आपको मिलता है। ठीक है, तो यार देखो, वो टीचर जिन्होंने इस साल भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो दिया है, हाईएस्ट 650 प्लस का रेशो दिया है, वो आपको यार ऑफलाइन के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो यार देखो, फिजिक्स सबसे टफ है, फिजिक्स में शायद इस बार आपके सबसे ज्यादा नंबर कटे होंगे, फिजिक्स के कारण आप अटके होंगे, वो जो हमारा जंप हो सकता था शायद 550 से जो हम 600 प्लस जा सकते थे, या 600 प्लस वाले बच्चे जो 650 प्लस जा सकते थे, सबसे ज्यादा अगर किसी में अटके होंगे तो फिजिक्स में अटके होंगे। तो यार हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स की सबसे पावरफुल टीम, मोस्ट लव्ड फिजिक्स टीम हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, सारांश सर की लीडरशिप में आपको पढ़ा रहे होंगे, जो है सारांश सर होंगे, और साथ में होंगे द मोस्ट लव्ड, जिनके यार बच्चे दीवाने हैं अपने प्यारे से, अरुण सर, जो पूरी जान लगा देते हैं, एक एक बच्चे को लेकर बैठे रहते हैं। मैं देखता हूं यार क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद भी दो दो घंटे तक बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं, उनके डाउट बता रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमारे अरुण सर। तो यार ये टीम आपको फिजिक्स पढ़ा रही होगी। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में होंगे मैं, है ना, तो यार मेरे पढ़ाए हुए, अच्छा सारांश सर अरुण सर के पढ़ाए हुए यार हजारों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, कोई इधर बैठा है, कोई भारत के हर टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको कभी ना कभी सारांश सर या अरुण सर के पढ़ाए बच्चे लेंगे, सेम फॉर मी एंड अर्नव सर। तो यार मैं और अर्नव सर आपको पढ़ा रहे होंगे पूरा नीट का जो अपना कोर्स है वो। तो एक चीज है देखो, अगर किसी बच्चे की फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ गया, अगर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर आने शुरू हो गए, जो पक्का ईसरल गुरुकुल में आने के बाद नेक्स्ट लेवल इंप्रूव हो जाएंगे, तो बायोलॉजी पे ऑटोमेटिकली कमांड हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के डर के कारण हमको बायोलॉजी में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, अननेसेसरी नंबर वहां पर कटने शुरू होते हैं। जैसे इस बार के एक बच्चे की कहानी बताऊं मैं, पिछले साल पिछले ड्रॉप ईयर में वो जहां से भी पढ़ता था उसकी फिजिक्स इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर थी कि फिजिक्स में कभी 100 नंबर से ज्यादा आए नहीं, उस चक्कर में केमिस्ट्री में डर बैठा और धीरे धीरे बायोलॉजी में डर बैठा, तो बच्चा 560 पर अटक गया। इस साल जब वो ईसरल में आया तो आपको जानकर खुशी होगी और आप हैरान हो जाओगे कि तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परसेंट में अगर उसके किसी भी नंबर आए तो फिजिक्स में आए। फिजिक्स में उस बच्चे ने 176 का स्कोर करके दिखाया और इस चक्कर में उसका स्कोर पहुंच गया टोटल 680। तो जो बच्चा फिजिक्स से डरता था वो फिजिक्स में 176 नंबर लेकर आया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आए हैं। तो आपको भारत की बेस्ट फिजिक्स और बेस्ट केमिस्ट्री मिलने वाली है, और बायोलॉजी तो यार तोड़ू फोड़ू हुई। ठीक है, युक्ता मैम होंगी, बच्चे नेक्स्ट लेवल इनके फैन हैं। ऐसी बायोलॉजी जो दिमाग में चिपक जाती है, ऐसी बायोलॉजी यार जिसमें मतलब इस बार जूलॉजी में ढेरों बच्चों ने 180 में से 180 कमाए हैं,
उनका 650 प्लस क्रॉस ले जाने वाला सब्जेक्ट बायो बना है और बहुत इजी तरीके से बना है, एकदम कंसाइज वे में एनसीईआरटी की एक एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी में से आता है, मैं मार्क कराते हैं अमेजिंग वाले जो होते हैं ना, फ्लो चार्ट बनाकर आपको चीजें याद हो जाएगी, डायग्राम के थ्रू जो होता है उससे आपको चीजें याद हो जाएगी। युक्ता मैम मिलने वाले, साथ में होंगे पुरुषोत्तम सर, एम्स से हैं, बहुत सालों से कोटा में पढ़ा रहे हैं, सैकड़ों बच्चों की टॉप 1000 टॉप 500 रैंक आ चुकी है इतने सालों में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के टॉप जो स्टार बैचेस होते हैं सो कॉल्ड, उसके टीचर सर रह चुके हैं, वो आपको यार पढ़ा रहे होंगे बायोलॉजी युक्ता मैम के साथ में। फिर पूरी प्लानिंग आपकी करेंगे एनके गुप्ता सर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ऑफलाइन सिस्टम में जो भी गड़बड़ियां हैं खासकर कोटा में, पटना में, बड़े शहरों में, कोर्स टाइम पर खत्म नहीं होते, बैच सिस्टम हो जाते हैं, प्रॉपर टाइम पर टेस्ट नहीं हो पाते, हर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो जो एनके गुप्ता सर है उनको 36 साल का कोटा का एक्सपीरियंस है, कोटा के ऑलमोस्ट सारे बड़े इंस्टीट्यूट के एनके सर किसी न किसी पॉइंट पर अकेडमिक हेड रह चुके हैं, उन्होंने उनको बनाया है, अब इस सर एनके सर का खुद का है, तो हर चीज टाइमली होगी, हर डाउट टाइमली सॉल्व होगा, बेस्ट पॉसिबल मेंटरशिप होगी, टाइम पर टेस्ट होंगे, सिलेबस टाइम पर खत्म होगा, और सबसे बड़ी बात 3 बार कंप्लीट रिवीजन आपका कराया जाएगा, 3 बार थ्योरी के थ्रू, 3 बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस के थ्रू आपका रिवीजन करवाया जाएगा, पूरा एकेडमिक सिस्टम इनके सर देखते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है आज इसरल की, एकेडमिक से तो ताकत है, एकेडमिक से तो रिजल्ट आते हैं, सबसे स्टेबल टीम, बेस्ट एकेडमिक सिस्टम आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यार आप 3 तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस कोटा सेंटर पर, फिर जो ऑनलाइन कोर्स है उसका भी एक्सेस आपको दिया जाएगा, ऑनलाइन कोर्स में 2 तरीके से पढ़ाई होती है, रोज लाइव क्लासेस चलती है वो तो है ही, साथ में आपको विजुअलाइजेशन वाले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अब ये विजुअलाइजेशन वाले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्या है, लाइव क्लासेस की तो रिकॉर्डिंग मिलती है ये, और मैं देख रहा हूं यार ऑफलाइन के बच्चे इसका इतना ब्यूटीफुली यूज उठा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट उनको और डेप्थ में समझना है तो विजुअलाइजेशन वाला लेक्चर खोलकर देख लेते हैं, जो लाइब्रेरी की सुविधा है अपने सेंटर पर वहां जाकर बैठते हैं, कुछ चीज उनको समझनी है, ब्रेक में जाकर उन्होंने देख ली यार ये चीज को मेरे को विजुअलाइज करना है, इस चीज को मेरे को समझना है, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये चीज बहुत काम आती है, बायोलॉजी भी विजुअलाइज करते हैं, उससे अलग लेवल की फील आती है। तो इस तरीके से आपको 3 तरीके यहां पर पढ़ाई के मिल रहे हैं कि आप अगर कहीं अटक जाओ, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री में, यह एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, जैसे बच्चों को विजुलाइज ही नहीं हो पाता, टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या बात हो रही है, सब हवा में चल रहा है, डायग्राम बना दिया उससे समझ में नहीं आता, एकदम चीजें दिख जाए इसलिए आपको ये प्रोवाइड करा जा रहा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, ड्रॉप ईयर में जब मैं बच्चों से मिलता हूं ना, खासकर नीट के, किसी का 3rd ड्रॉप है, किसी का 4th ड्रॉप है, वो यही बोलते हैं कि सर 3 चीजें दे दो हमको, 1 टेस्ट हो जाए बहुत बढ़िया, 2 हमको सवाल मिल जाए क्योंकि हमें थ्योरी वगैरह तो आती है, और 3 हमको गाइडेंस मिल जाए। तो यार आपकी गाइडेंस की जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में, उसको फॉरएवर के लिए सॉल्व कर देगा 5 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। होता क्या है, आपके जो ऑफलाइन मेंटर्स हैं, मतलब जो मेंटर्स हैं वो आपके ऑफलाइन सेंटर पर अवेलेबल होंगे, आप उनसे आके मिल सकते हो, उनसे आकर बात कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पर आपकी चेकिंग भी करेंगे, सारी चीजें यहां पर आपकी होगी, जिससे जो भी गलतियां हुई ना इस साल, जिसके कारण हम 680 प्लस 700 प्लस नहीं पहुंच सके, वो कोई भी हो सकती है, हम गलत आदतों में पड़ गए, मोबाइल का ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप्स का चक्कर हो गया, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे एक बच्चा 640 नंबर आए उसके, 640 पर केमिस्ट्री में कितने नंबर आए, सिर्फ 120, मतलब जो उसके 80 नंबर कटे उसमें से 60 नंबर अकेले केमिस्ट्री में कट गए, क्योंकि उसका केमिस्ट्री पूरा उड़ा हुआ है, राजस्थान का रहने वाला है तो अब ड्रॉप ईयर लेना पड़ रहा है। तो ऐसी गलतियां आप इस बार ना करो, 3 सब्जेक्ट आप बराबर पढ़ो, टाइम टू टाइम टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस हो, टेस्ट की स्ट्रैटेजी आपको पता चले, ये सारी चीजें इस 5 लेयर मेंटरशिप के थ्रू आपको मिल रही होगी, ठीक है। आपके मेंटर्स आपके साथ ऑफलाइन बैठे होंगे, हर एक चीज ट्रैक होती है, जो भी आप ऐप पर पढ़ रहे होंगे, आपने कितना पढ़ा, कितना सब्जेक्ट करा, क्या लाइव करा, क्या आपने टेस्ट दिए, क्या उसका एनालिसिस रहा। फिर आपको इसरल के मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, जब आप एडमिशन लोगे तो आपको एक पूरा किट मिलेगा, बैग होगा, बहुत सारी चीजें उसमें होगी, ठीक है। उसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट होंगे मॉड्यूल्स, तो उसमें 25-30 हज़ार से ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, ये अलग इजीएस्ट से हार्डेस्ट तक, क्योंकि अगर मान लो इस बार 2 लेवल का पेपर हुआ जिसमें
एक बोल सकते हैं स्क्रीनिंग टाइप का हो गया कि यार पहले 25-26 लाख बच्चों ने ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम दे दिया, उसमें से 6 लाख अलग बच्चों को निकाला, तो फिर वो जो 6 लाख बच्चों का मेन एग्जाम होगा उसका लेवल थोड़ा ऊपर होगा। तो इन मॉड्यूल्स में आपको अच्छे लेवल के कुछ सवाल भी मिलेंगे ताकि हम उनकी प्रैक्टिस करें, और जो अभी का लेवल चल रहा है मेजरली सवाल तो उसके बेसिस पर है ही। तो यार अगर जिस भी पॉइंट पर कोई अनाउंसमेंट आता है, ईसरल अपनी तैयारी का तरीका आपके लिए उस हिसाब से चेंज कर लेगा, ये भी 100% तय है। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं, मोस्ट लव नीट के मॉड्यूल्स हैं, सब टॉपिक वाइज इस तरीके से बटे होते हैं। ड्रॉप ईयर में खास करके होता है कि बच्चों के 3-4 सब टॉपिक बहुत अच्छे, 3-4 वीक हैं, 3-4 वीक सब टॉपिक की वो ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, पूरा एक टेस्ट का सिस्टम होगा। खास बात कि इस बार जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो लास्ट में नहीं होंगे, सेशन की शुरुआत से ही आपके फुल सिलेबस टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो भी आप मंथली पढ़ोगे वो आपके टेस्ट यहां पर होंगे, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा। इस बार हम गलती कर ही नहीं सकते, प्रबल ने अपने सेकंड ड्रॉप में क्या गलती करी थी सबसे बड़ी, आप उसका इंटरव्यू सुनना जाकर, उसे बोला सर मैंने टेस्ट ही नहीं दिए थे, एग्जाम से जस्ट पहले टेस्ट देने शुरू किए थे सेकंड ड्रॉप में, इसके कारण 570 पर स्कोर अटक गया। इस बार उसके मेंटर्स ने उसको पीछे पढ़ पढ़ के पूरे साल टेस्ट दिलवाए, और उसका इंपैक्ट आप देखो, 706 नंबर वो बच्चा लेकर आया, AIR 449 वो बच्चा लेकर आया। इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में इसरलाइट ने अपना नाम करके दिखा दिया, सिर्फ दूसरे साल में टॉप 500 की रैंक लाकर इसरल ने दिखाई, बहुत नेक्स्ट लेवल नीट का रिजल्ट आया, भारत का वन ऑफ द बेस्ट सेलेक्शन वाला नीट का रिजल्ट लेकर आया जो आपका भी आएगा, और वो सब इन सब चीजों के कारण होता है। पूरी डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपको मिलेगी, टीचर्स आपको सेंटर पर अवेलेबल होंगे जो आपके डाउट सॉल्व कर रहे होंगे, साथ में आपको जो ऑनलाइन 5 लेयर डाउट सॉल्विंग की सुविधा है वो भी यहां पर मिल रही होगी। ठीक है, ईसरल का दोस्त डाउट सॉल्विंग टूल, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे मोटी मोटी बात यह है कि आपके डाउट्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों सुविधा आपको यहां पर दी जाएगी। अब एक फाइनल चीज जिसकी ड्रॉपर्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मेरी भी ड्रॉप ईयर में मैंने IIT बॉम्बे क्रैक किया था। कैसे किया था? बेस्ट पॉसिबल रिवीजन करके। तो आपका 3 बार रिवीजन करवाया जाएगा, रेगुलर रिवीजन क्लासेस होंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लासेस होंगी एग्जाम के पहले, 5 से 6 बार क्वेश्चन प्लस थ्योरी मिलाकर आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा। माइंड मैप्स आपको मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स इसरल की तरफ से सब कुछ होगा। तो यार द ड्रॉपर ऑफलाइन कोर्स इज नाउ लाइव, आप भी आओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ। 5 अगस्त से क्लासेस शुरू हैं कोटा गुरुकुल ऑफलाइन सेंटर में। मिलते हैं बच्चों, और इस बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट।